पार्टी रोड में पैसा कमा के ढेर सारा पैसा आ चुका है टुन टुन। इसके आगे गाना नहीं बन रहा है टुन टुन। तिलक देखो कितना लंबा है टुन टुन। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस तारीख आज अपनी कितनी है, 29 है यार, एक सेकंड भाई, 28 है यार। दोस्तों तारीख आज अपनी 28 दिसंबर 2023 और समय हो रहा है दोस्तों सुबह के, मैं बता दूं आपको, 9:41। जी हाँ दोस्तों, 10:45 यार। कल अच्छा इस टाइम में यार मैं गैस वैस डलवा चुका था ना भाई, आज लेट हो गया यार हमको। कोहरा देख रहे हो भाई साहब, मौसम भाई बहुत ज्यादा गंभीर है इस टाइम भाई। रात भी, रात में पता है यार गाड़ी चलाने वाला है नहीं ना, मतलब अर्ली मॉर्निंग में भी गाड़ी चलाने वाला नहीं, क्योंकि भाई इतना ज्यादा फॉग चल रहा ना भाई हाईवे पे, तो भाई दिमाग खराब हो जाएगा जाने वाले का, और ऐसा ना फिर एक्सीडेंट के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ना भाई थोड़ा सा ना, जो भाई मेरे चलाते हैं थोड़ा सा संभल के चलाइए, बहुत अच्छे से चलाइए, कोशिश करिए कि रात बिरात आपको ड्राइव ना करना पड़े, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि दिखाई बिल्कुल नहीं देता विजिबिलिटी, मतलब आप समझो रात की विजिबिलिटी या हाईवे की बात करें तो सामने जो लोडर चल रहा है ये भी नहीं दिखता है ना, समझ रहे हो दोस्तों। तो ये चीज है, बाकी अपन ना यार दोस्तों घर से तो निकल ही चुके हैं यार, है ना, और 9:45 बजने जा रहे हैं। बस मैं यार गुमटी के पास में पहुंच चुका हूँ, है ना, देख सकते हो आप, ये है अपना गुमटी और ये है गुमटी का गुरुद्वारा। तो सीन ऐसा है ब्रो कि अभी ना करना क्या है कि अभी गैस जलानी है भाई, ठीक है, तो गैस है भी नहीं अपने में, वही एक पॉइंट बचा हुआ है जो हम लोगों का कल बचा था ना लास्ट में, वही वाला बचा हुआ है यार। तो चलते हैं सीधा गैस जलाते हैं, देखते हैं काम का सीन आज कैसा रहेगा। आज है अपने 30 डेज चैलेंज का 20वां दिन, हाँ 20वां दिन तो है आज, 19वां कल था, हाँ 20वां दिन है भाई, 20वां दिन है। इसके बाद भाई अब कल से 10 दिन बचेंगे खाली, काम अपना बड़ा खराब चल रहा है यार, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। चलो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, जैसा होगा जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना गाइस। अभी ना फिलहाल सीएनजी पंप आ चुका है, तो चलते हैं सीधा गैस जलाते हैं और देखते हैं गैस कितने की आएगी, फिर काम कितने का होगा, सारा कुछ पता चलेगा दोस्तों। बने रहिएगा ऋषि सिंह व्लॉग्स पे आगे की अपडेट जानने के लिए। तो गाइस मैं ना फाइनली बीरेन स्वरूप पार्क पहुंच चुका हूँ, देख सकते हो और मौसम का हाल बेहाल है। और अपने एक भैया ने पूछा था कि डैटसन की रेडियो को भैया हम लगा सकते हैं और चला सकते हैं क्या, तो पेश है आपके सामने डैटसन की रेडियो को जो कि चल रही है और लगी हुई है और ओला में चल रही है भाई, समझ रहे हो, ये लीजिए आप डैटसन की रेडी गो, है ना। तो गाइस चला सकते हैं लगा सकते हैं, लेकिन गाड़ी कोई उतनी ज़्यादा अच्छी है नहीं, तो सस्ती भी है तो उसी हिसाब से है यार। तो बाकी अभी ना ये लीजिए आप, ये लीजिए, कह रहा मेरी भी ले ले, मेरी भी ले ले, ये लीजिए भालू ऐसा चलता चला आ रहा बनमानुस। तो दोस्तों अभी करना क्या है कि वेट करते हैं और अभी वीडियो भी अपलोड करनी, तो वीडियो अपलोड करके फिर मैं जो है लोकल राइड स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना गाइस। ये इलू इलू क्या है, ये इलू इलू। तो दोस्तों इलू इलू गाना हमको इसलिए याद आया क्योंकि बिजन स्वरूप पार्क पे चल रहा है। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज नया सीन ऐसा है कुछ कि फिर से अपने पास प्राइवेट आ चुकी है यार दोस्तों, और रैया की, ठीक है ना गाइस। तो मैं ना सीधे जा रहा हूँ, डिवाइस बंद हो चुकी है अपनी, जा रहा हूँ कस्टमर को पिक करने, आगे ना खैराबाद हॉस्पिटल है स्वरूप नगर पे, वहीं से ही पिक करना है गाइस, और पिक करके ना सीधे चलना है, ड्रॉप करना है और ढेर सारा पैसा अंदर करना है। ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हर गाड़ी बड़ी देख के चलानी पड़ रही। और दोस्तों एक चीज मैं आपको और बता दूं कि भाई ना तुम्हारा इंस्टाग्राम में बवाल काटने वाला है, तो इसकी वजह से ना ऋषि 8594 सिंह मेरा यूजर नेम है, तो फटाफट से ना आप लोगों को जो है फॉलो करना है अपने भाई के इंस्टाग्राम की आईडी को, ठीक है ना गाइस। तो बातें बहुत हो चुकी हैं, ऑटो यार बहुत है अपने शहर में, हर ही शहर में होते हैं वैसे, नया क्या है। तो गाइस अभी ना सीधा चलते हैं यार, ठीक है, और ट्रिप भी हम जीरो कर ही लेंगे यार, सोच रहे हैं, ऐसा जरूरत है नहीं उसकी यार, और यह है कितनी दूर है ना, बताया सब लोगों को। तो गाइस सीधा चलते हैं, राइड कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट करके ना गाइस पैसा कमाते हैं ढेर सारा, ओके ना मेरी जान। सो गाइस मैं ना यार फाइनली निकल रहा हूँ औरैया के, थोड़ा सा आगे आया हूँ यार मैं, लगभग 4 से 5 किलोमीटर, ठीक है, और ये गांव के अंदर से मैं निकल ही रहा हूँ, बस ऑलमोस्ट निकल ही गया यार, ज्यादा अंदर भी नहीं आया था भाई। गांव के लोग कितना सही होता है ना भाई, मतलब अंकल जी जिनको हम लेके आए ना भाई, आप ये समझो कि भाई उन्होंने बिना चाय पिए जाने ही नहीं दिया यार, और चाय भी बढ़िया थी, समझ रहे हो भाई। और पता है ये जो अंकल जी थे ना ब्रो, ये हमको मिले गए सर, ये पता है ये मतलब बहुत सही सा सीन है, पिछली बार इन्होंने ओला बुक करी थी, वो भी लखनऊ छोड़ा था इनको, तो नंबर सेव करा दिया था भाई, ओला से तो नहीं लेकिन ओला की पुरानी वाली बुकिंग इस समय हमको बड़ा फल रही है यार, समझ रहे हो भाई,
गैस का सीन पता है कितना बचा है अपने पास, फुल टंकी थी भाई अपनी और फुल टंकी आप समझो हाफ पे आ गई है यार, ठीक है ना। तो इतनी गैस में तो हम आराम से पहुंच ही जाएंगे, मतलब एक टंकी में अप डाउन हो जाता है। सर्दी में ना भाई कोहरा तो होता है भाई, है ना, नो डाउट, मतलब उसमें दिक्कत होती है। देखो सामने है भी काफी ज्यादा है भाई, वो लग नहीं रहा कैमरे में, कभी भी आप नोटिस करिएगा कैमरे से जब आप वीडियो बना रहे होते हो ना तो कोहरा होता है आगे, बट वो दिखता नहीं है कैमरे में, है ना भाई। तो कोहरा तो जरूर होता है भाई साहब सर्दी में, लेकिन इस चीज की आराम होती है कि भाई वो बहुत बढ़िया होता है। देख रहे हो भाई सड़क, देख रहे हो एकदम सुनसान भाई साहब, कोनो हमको पकड़ ले, अंकल जी हमको चाय पिला रहे थे भाई, हमको ये डर लग रहा था ऐसा ना कोनो गोली वोली मिला के हमका बेहोश करके गाड़ी आड़ी हमारी सब हिले हिले पिल्ले लगा दे, समझ रहे हो भाई, अंदर से चोक तो मारती है यार गाइस, है कि नहीं भाई। चलो यार यहाँ पे ना कोहरा है ज्यादा, देख लो भाई कितना अंधेरा अंधेरा है, तो कोहरा है दोस्तों यहाँ पे ज्यादा। सीधा चलते हैं पहले मेन रोड पे और उसके बाद जो है फिर हम लोग ना अर्निंग की बातें करते हैं, क्योंकि यार यहाँ से निकलना भी है, बहुत ज्यादा कोहरा है। मोबाइल बाहर दिखाएं एक बार, ये देखो भाई कोहरा दिख रहा है आप लोगों को, भयंकर है भाई भयंकर, और गजब की सर्दी है भाई गजब की। चलो दोस्तों बाहर चलते हैं पहले, है ना, और उसके बाद जो है फिर बात करते हैं आगे, क्योंकि ये सिंगल रोड है भाई, हमारी चोक ले रही है थोड़ा सा इस रोड पे। लाइटें देखो भाई साहब, लाइटें कितनी भयंकर जल रही है यार इस वाले ट्रक में, इस वाले में देखो आए दैया दैया एकदम नचनिया बना के रखे हुए है भाई, क्या बनाए हुए ट्रक को। बात ऐसी है ना दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि भाई रोड तो अपना आ चुका है, लेकिन अभी ना यार गाइस मैं सर्विस लेन पे चल रहा हूँ यार भाई, ठीक है, तो आगे से ना बस यू टर्न लेना पड़ेगा, आगे से वो आएगा अपना, वो जो नीचे से भी अंडरपास होता है तो वो आ जाएगा, फिर वहीं से ना यू टर्न लूंगा, उसके बाद हम लोग को उधर की तरफ चलना है उल्टी साइड में, मतलब इधर ना आगरा वाला पहुंच जाएंगे हम लोग सीधा इटावा, और हम लोगों को ना सीधे यू टर्न लेकर के फिर सीधा कानपुर की तरफ चलना है। रोड देखो भाई साहब कितनी प्यारी लग रही है, कितनी दुलारी लग रही है ना भाई, रोज ये वाली रोड देखने को मिले कितना अच्छा लगे ना भाई, मजा आया भाई, पैसा अलग है। खैर कोई नहीं यार, पहले ना यू टर्न लेते हैं भाई, फिर आगे का सीन देखते हैं। चला जाता हूँ सन्नाटे रोड में, पैसा कमा के ढेर सारा, पैसा आ चुका है टुन टुन, इसके आगे गाना नहीं बन रहा है टुन टुन, तिलक देखो कितना लंबा है टुन टुन। अबे भाई बात ऐसी है ना दोस्तों कि औरैया मैं काफी देर पहले क्रॉस कर चुका हूँ, मतलब औरैया क्रॉस करे हुए मुझे आधे घंटे हो चुके हैं, और लगभग ना मुझे अप्रोक्स डेढ़ घंटा लगेगा अभी शायद में भी पहुंचने में, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा कोहरा भी है, फॉग है, और उस टाइम ना यार मैं आपको पूरी बात नहीं बता पाया था कि सर्दी में कोहरा तो होता है, ये चीज तो सही है, लेकिन उसके अलावा एक प्रॉफिट ये हो जाता है भाई साहब अपने साथ कि भाई एसी नहीं चलती तो गैस कम लगती है, जिसका प्रॉफिट हमको आज हुआ है, समझ रहे हो भाई, एक फुल टंकी में अप डाउन अप डाउन। वैसे भी औरैया का एक फुल टंकी में अप डाउन हो ही जाता है, लेकिन हम औरैया से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे गए थे, तो इसकी वजह से यार गाड़ी तो जो है लगभग 10-12 किलोमीटर रक्षा चल गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, काम आज इतना सही से हुआ नहीं था, तो ये वाली राइड से ना भाई काफी ज्यादा सही हो गया। और सन्नाटा देख सकते हैं भाई साहब, रोड में काफी ज्यादा है भाई, गाड़ियां तो मतलब दिख ही नहीं रही, बहुत कम दिख रही भाई, इक्का दुक्का दिख रही, आप देखो उस टाइम भी ट्रक ही दिख रहा है, मतलब मोस्टली ना ट्रक दिख रहा है भाई। और इस राइड का सीन कुछ ऐसा है दोस्तों, अर्निंग का इस राइड की, कि टोटल ना मैंने मतलब ड्रॉप करना था, ठीक है, तो ड्रॉप तो कर ही दिया था, तभी भाई खाली वापस जा रहे है ना भाई, और ड्रॉप करने के हमने टोटल लिए हैं जो अंकल जी थे अपने उनसे 2500 रुपए, और साथ में ना भाई जो टोल लगाना अपना 265 रुपए का, तो उसके 265 की जगह भाई 250 रुपए ही लिए यार, 15 रुपए छोड़ दिए, डिस्काउंट कर दिया 15 रुपए का, ठीक है ना गाइस। तो अपना टोल जो लिया वो तो लग ही गया, तो उसको छोड़ देते हैं, 2500 रुपए जो हम लोगों ने लिए ना भाई, तो उसमें आप ये समझो गैस अभी इतनी बची है अपने पास इतनी, ठीक है, और इतनी गैस में मैं बहुत आराम से कानपुर पहुंचूंगा, मतलब बिल्कुल हंसते खेलते खिलखिलाते लहराते बलगाते, ठीक है ना भाई। तो आप ये समझो कि एक फुल टैंक का मतलब हो गया 700 रुपए के आसपास की गैस लगी भाई, ठीक है, और 700 की गैस 2500 रुपए की अर्निंग, मतलब कि 1800 रुपए की बचत। और अभी इतना ही नहीं है ब्रो, अभी मैं पनकी पहुंच के डिवाइस भी ऑन करूंगा ओला की अपनी, क्योंकि भाई शायद मे भी अगर पनकी से राइड आ जाती शहर की ना, तो सीधा सीधा 200-300 रुपए का बिल बनता है यार, है ना भाई, तो शायद मे भी अगर आ गई तो टू गुड है अपना, और पैसा बढ़ जाएगा। अभी तक अपनी जो बचत है ना वो लगभग 1800 रुपए की है, लगभग क्या 1800 की है भाई, 2500 में 700 कम करेंगे गैस के तो 1800 रुपए बच जाएगा अपना, है ना गाइस। तो सबसे पहले ना गाड़ी थोड़ा सा खींचते हैं, अब यार खींच नहीं सकते गाड़ी, वो समस्या अपनी गाड़ी में ये 80 से ऊपर जाती नहीं ना यार, है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम लगती है भाई कभी कभी, मतलब कभी कभी ना इतना ज्यादा खराब लगता है भाई कि अल्टो भी अपनी गाड़ी से आगे चली जाती है,
ये देख के ना भाई अंदर का कलेजा बाहर आ जाता है, लेकिन कर क्या सकते हैं यार। लेकिन सही भी एक तरीके से यार भाई, 80 की स्पीड में चलने से पता है अपना एवरेज बहुत ज्यादा अच्छा निकल आता है गाड़ी का, है ना भाई। तो अभी ना सीधा चलता, 7:45 है, दिख नहीं रहा यार ब्रो ना, दिखा कि नहीं दिखा, नहीं दिख रहा यार वो एक्चुअल में ना, वो जल रहा है ना भाई, फ्लैश जल रहा है मेरी गाड़ी का, देखो दिख गया, 7:46 है भाई, ठीक है ना। तो 7:45 है, अगर 9 तक पहुंच गया ना मैं कानपुर, ठीक है, तो फिर यार राइड आने के चांस बढ़ जाएंगे पनगी से, क्योंकि फिर ज्यादा लेट हो जाएगा तो समझ, सर्दी है ना, तो हो सकता है ज्यादा लेट में ना आए, लेकिन 9 तक अगर मैं पहुंच गया तो भाई जो है आ जाएगी राइड शायद में भी, और पहुंच तो मैं जाऊंगा यार 9, क्योंकि अकेले ही हूँ यार, तो 80 पे ही चल रही गाड़ी, 80 से नीचे नहीं गाड़ा आ रहा भाई अपना, है ना गाइस। तो चलते हैं सीधा, 1800 की तो अपनी बचत हो ही चुकी है, शायद अगर एक राइड और आ जाती वहां से तो शायद ये 1800-2000 भी हो सकते हैं, और शायद ये 1800 के 1800 भी रह सकते हैं। तो 1800 के 2000 होते हैं कि नहीं होते हैं, ये जानने के लिए बने रहिएगा ऋषि सिंह ब्लॉग्स पे, और आप भी देखिएगा, मैं भी देखूंगा कि 1800 अपने 2000 हो पाते हैं कि नहीं, कि 1800 रह जाते हैं, ठीक है ना भाई। सो गाइस मैं ना फाइनली कानपुर पहुंच चुका हूं, और अभी ना यार पनकी क्रॉस कर रहा हूं भाई मैं, ठीक है ना। यहां से विजयनगर अपना बचा है कितना, 2 किलोमीटर, सिर्फ और सिर्फ 2 किलोमीटर, देख सकते हो आप, नहीं दिख रहा ना, दिख गया विजयनगर 2 किलोमीटर बचा है मेरी जान। तो अभी ना दोस्तों सीन कुछ ऐसा है यार कि राइड का वेट तो मैंने नहीं किया यार, डिवाइस ऑन कर ली थी 5 किलोमीटर पहले ही से, बची नहीं है अभी भी, देखो ऑन ही पड़ी है यार, बस बच नहीं रही यार, है ना भाई। तो जाते जाते अगर बच जाएगी तो टू गुड है, और नहीं बजेगी तो भाई यार रुकने का तो सीन है नहीं भाई, क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, सीधा घर चलेंगे यार हम, अगर रास्ते में आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आएगी तो उससे अच्छी बात है, 1800 तुम्हारे भाई का सूखा सूखा बच चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यार, क्योंकि गैस भी यार ना अभी भी अपने पास देखो रिजर्व पे नहीं लगी है, देख रहे हो भाई अभी भी 1 बचा है, अभी रिजर्व पे लगेगी, तो यार कुछ भी कहो यार, सर्दी में ये सिस्टम तो बढ़िया होता है यार, एसी चलती नहीं, गैस लगती नहीं, है ना, बैतिन सूंघ के चलती है अपनी गाड़ी यार दोस्तों। तो अभी ना दोस्तों करते क्या है कि सीधा ना यार घर की तरफ चलते हैं, बीच में राइड आ जाएगी तो मार लेंगे, नहीं आएगी तो नहीं मारेंगे, घर निकल जाएंगे सीधा, है ना गाइस, क्योंकि 9 जा रहा है तो भाई लेट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे बैठे राइड के लिए, और काम तो अपना हो ही गया यार, तो क्या ही दिक्कत है रुकने की, है ना ब्रो। सीधा चलते हैं राइड का, अगर आएगी तो मैं कल वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि राइड आई थी कल कि नहीं आई थी, क्योंकि अभी ना दोस्तों मैं व्लॉग को एंड करने जा रहा हूँ, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है तो कोई मतलब नहीं है यार, अब घर भी पहुंचने ही वाला हूँ मैं, ठीक है ना गाइस। तो करते हैं व्लॉग को एंड, बाकी चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ना दोस्तों फटाफट से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, और देखते रहे ऋषि सिंह व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।